फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें तीन सदिश दिए गए हैं और हमें उनका योग करना है। तो इस एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले दिए गए सदिश, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। अब इन तीनों सदिशों का योग करते हैं, यानी हम इनके संगत घटकों का योग कर देते हैं। तो इन घटकों का योग बन जाएगा 0i कैप। इसी प्रकार j के जो घटक हैं उनका योग बन जाएगा -4j कैप, और k के घटकों का योग बन जाएगा -3k कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दो सदिश दिए गए हैं जो कि एक समान हैं, उसके आधार पर हमें xyz का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर, तो हम लिख देंगे xi कैप प्लस 2j कैप और zk कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप yj कैप प्लस में k कैप। दोनों सदिश एक समान है तो इनके संगत घटक भी एक समान होंगे। इस आधार पर एक्स वाई और जेड का मान हमें प्राप्त होगा 2, 2 और 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो दिए गए सदिश ए और बी हैं, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक, और इस आधार पर हम इनके मापांक का मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 1² + 2² का रूट यानी कि √5, और बी वेक्टर का मापांक हमें प्राप्त होगा 2² + 1² का रूट यानी कि √5। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ए का मापांक और बी का मापांक एक समान है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ए का मापांक और बी का मापांक एक समान है। ये तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर बन गया, लेकिन इन दोनों सदिशों के संगत घटक समान नहीं हैं, अतः यह दोनों समान सदिश नहीं है, जो कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया सदिश, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक, और हमें इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है या इकाई सदिश, और उसके लिए सबसे पहले हम मापांक का मान ज्ञात करते हैं। तो आ जाएगा 2² + 3² + 1² का रूट यानी ओवरऑल आंसर बन जाएगा √14। इस आधार पर एकांक सदिश ए कैप का मान आएगा a वेक्टर / a वेक्टर का मॉड यानी 1/√14 2i कैप + 3j कैप और प्लस में k कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया सदिश हमारे पास है ए वेक्टर, जो कि है i कैप - 2j कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। अब हम इसका मापांक ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त होगा 1² - 2² का रूट यानी कि √5। इसलिए ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश हो जाएगा a वेक्टर / a वेक्टर का मॉड यानी कि 1/√5 i कैप - 2j कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण या मापांक 7 इकाई है। इसके लिए हम ए कैप के साथ 7 का गुणा कर देंगे, अतः अभीष्ट सदिश होगा 7 × a कैप, जिससे हमारे को उत्तर मिल जाएगा 7/√5 i कैप - 2j कैप। आप चाहें तो इस संख्या गुणा अंदर भी हो सकता है, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दिए गए सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनको नाम देते हैं समीकरण नंबर एक। अब हमें इन दोनों वेक्टर का पहले योग ज्ञात करना है, तो इनका योगफल a वेक्टर + b वेक्टर होगा, जिसको हम एक नया सदिश मान लेते हैं c वेक्टर। अब योग करने के लिए इसके संगत घटकों का यदि योग करें तो हमें प्राप्त होगा 4i + 3j और -2k कैप, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब हमें सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक या इकाई सदिश ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसका मापांक ज्ञात करना होगा, जो कि आ जाएगा 16 + 9 + 4 का रूट यानी ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी √29 इकाई। इस आधार पर सी कैप का मान बन जाएगा c वेक्टर / c वेक्टर का मापांक यानी 1/√29 (4i कैप + 3j कैप और -2k कैप, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दो बिंदु दिए गए हैं,
पी 230 और क्यू -1, -2 और -4। अब हमें पी से क्यू की ओर एक वेक्टर ज्ञात करना है, यानी हमें बेसिकली दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ज्ञात करना है। इसलिए वह वेक्टर पी क्यू वेक्टर जो होगा वो आएगा क्यू माइनस पी के कोऑर्डिनेट और आई जे और के के साथ। यानी यदि हम इनके कोऑर्डिनेट को घटा लेंगे तो हमें मिलेगा -1, -2 आई कैप प्लस -2, -3 जे कैप और -4, -0 के कैप। ओवरऑल आंसर बनेगा -3 आई कैप -5 जे कैप और -4 के कैप, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो बिंदु P और Q के स्थिति सदिश हमें दिए गए हैं, लेकिन वह I, J और K में ना देकर हमें A वेक्टर और B वेक्टर के रूप में दिए गए हैं। और हमें एक ऐसे बिंदु R के स्थिति सदिश को ज्ञात करना है जो कि P, Q को 2:1 के अनुपात में अंतः और बाह्य विभाजित करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया अनुपात M अनुपात N है 2:1, यानी हमें M का मान 2 और N का मान 1 यूज़ करना है। तो सबसे पहले अंतर्विभाजन की स्थिति, इस स्थिति में बिंदु R का स्थिति सदिश होगा। अब हमारे पास OQ वेक्टर और OP वेक्टर हैं, इसके लिए सूत्र बन जाएगा M गुणा में OQ वेक्टर प्लस N गुणा में OP वेक्टर और बटे में M प्लस N, जिनके मान हम लोग समीकरण 1 और 2 से यदि रखें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस 1 गुणा में 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर बटे में 2+1। गुणा करके योग करें तो हमें प्राप्त होगा 5A वेक्टर प्लस 0B वेक्टर बटे में 3, यानी ओवरऑल 5/3 और A वेक्टर 1 आंसर। अब बाह्य विभाजन की स्थिति में बिंदु R का स्थिति सदिश बन जाएगा M OQ वेक्टर माइनस N OP वेक्टर अपॉन M-N, जिसके मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस 1 गुणा में 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर और बटे में 2-1। हल करने पर हमें प्राप्त होगा -A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आपकी प्रश्नमाला 13.1 के क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा है, बस केवल बिंदुओं के नाम बदले गए हैं। तो इस प्रकार आपके इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।